नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। नजर डालते हैं आज की खास खबर। यूपी के रामपुर में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे एक सरकारी डॉक्टर की संदिग्ध हालत में लाश उनके सरकारी आवास में मिली। आपको बता दें कि ये वही डॉक्टर हैं जिनके मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें विवाद के बाद एक नर्स ने उनको थप्पड़ मारे थे। अब 15 दिन बाद उन्हीं डॉक्टर की मौत से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल यह मृतक डॉक्टर का नाम BM नागर है, जो कि रिटायर्ड थे। रामपुर में बढ़ते कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने उनकी सेवाएं फिर से लेना शुरू कर दी थी। वह रामपुर के जिला अस्पताल में मरीजों को देखते थे। नर्स से विवाद के बाद DM ने कुछ दिन के लिए उनकी सेवाएं बंद कर दी थी, लेकिन बाद में उनकी तैनाती कर दी गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर पहुंच गए, साथ ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम कराने की तैयारी हो रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मौके पर मौजूद SP ने यह बात परिजनों से लिखित रूप में ली है। बताया जाता है कि इस थप्पड़ कांड के बाद डॉक्टर BM नागर ने पुलिस अधीक्षक सुगन गौतम को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। अब उनके संदिग्ध हालत में मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थे आज का हमारे खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज़।